अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज सीन कुछ हुए हैं कि हम लोग बम वगैरह लेने आए और बम वगैरह देखने आए, तो ये बम की मार्केट पहुंच गए हम लोग, जो कि बिल्कुल कैपरी सिनेमा के सामने एक कायद का मज़ार, कायद के मज़ार के बिल्कुल नाक की सीध में आना है और ये कैपरी सिनेमा, और कैपरी सिनेमा से आपने सीधे जाना है, यहाँ अंदर मार्केट है पूरी ना, बिल्कुल कैपरी सिनेमा के अपोजिट। आपके पास बम वगैरह है? आगे ये साहब तो फुल 25 हुए हैं, और इनके लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर मट्टी का आइटम रखा हुआ है, और इसके राइट हैंड के ऊपर इनका पूरा गोदाम बना हुआ है जहाँ पर इन लोगों ने बम वगैरह रखे हुए हैं। और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ इनकी शॉप पर। यहाँ पर हर किस्म का बम, हर किस्म के बम की वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। और ये हमारे बचपन की कुछ यादें, और ये दिखने में तो खाने की चीज़ लग रही है मगर है मिनी पटाखे, और ये है सुर्री जो कि पिस्तौल में जाएगी ऊपर और फिर ब्लास्ट। आपको कौन सा वाला लेना है नोमन? यार मुझे केक लेने, केक बोलते हैं ये रखे हुए ना सामने जंबो, ये शूटर, ये लेने हैं मुझे। कौन से, कितने वाले शूटर? यार मैं 25 शॉट वाला लेने के लिए आया हूँ, जो कि यहाँ पर इस 25 वाले के रेट जो चल रहे हैं ना, 5.5 चल रहे हैं, 5.5 हज़ार रुपये का ये 25 शूटर दे रहा है चाइना वाला। तो और मुझे जो है फायर चाहिए, जो हवाई जिसको कहते हैं ना, अच्छा। वो चाहिए, तो हवाई लेनी है मुझे और अनार लेने। तो अभी देख रहे हैं हम लोग अनार वगैरह के रेट क्या चल रहे हैं इन लोगों के पास, बताता हूँ मैं, आए चलें। और यहाँ पर शूटर्स की भी कई किस्म की वैरायटीज़ मौजूद हैं, आपको नज़र आ ही रहा होगा वीडियो में। इन शूटर्स को लोग केक भी बोलते हैं। और यहाँ पर फौजी अनार, गोल्डन अनार और काफ़ी किस्म के अनार मौजूद हैं। पूछते हैं ये कितने फिट ऊपर चिंगारियाँ फेंकता है और कितनी इसकी टाइमिंग है। 13 से 13.5-14 फिट होता है ये, और ये 20 सेकंड 11 फुट है ये। सही है। इसके अंदर कितने शॉट निकलते हैं स्टिक के अंदर? भाई ये सब लिखा है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने। और इस स्टिक की प्राइस है 1200, जिसमें से 8 शॉट निकलते हैं। ये भी स्टिक ही है मगर ये 7500 की, इसमें भी 8 ही शॉट निकलते हैं। नासा के रॉकेट ये रखे हैं भाई। और भाई ये सामने पीछे लगे हुए हैं हाजी साहब, इनकी ये शॉप है आई थिंक सो। हाजी साहब जो है ना, लोगों की ज़िंदगी में आग लगाने का, धमाके करने का काम हाजी साहब ने अपने ऊपर ले लिया है। मोहसिन भाई लगे हुए हैं कलाशन जलाने के अंदर, यहीं पर ये आग लगाएंगे पूरी गोलमाल धमाल की तरह ना। हर 2 नंबर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो भी महंगे रेट्स में। और मोहसिन भाई माचिस बम, मतलब चाइना बम्स की इंक्वायरी करते हुए अपने ही बंदे से। पूरा पट्टी है भले भाई, ये सिंपल गन है ठीक है, ऐसे चलाओ माचिस से और पेगो कुंभा। ये बड़े बड़े साइज अलग अलग साइज के ठीक है, और इनमें कोई खास बात नहीं है। मुझे तो सबसे ज़्यादा पता है कौन सा पसंद है, और ये है फुलझड़ी, हाथ मिलो और घुमाओ। और ये है सेल बम, ये कितने का पैकेट है? इसमें 100 रुपए के, इसमें 10 हैं, ये 150 रुपए, ये 10। सेम रेट हैं सेल बम के भी और पेटी बम के भी, ऐसा ही। आपके भाई ने शूटर्स यहाँ से ले लिए हैं, क्योंकि शूटर्स की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी थी मगर महंगी थी। यार हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से हम लोगों ने जो है ना सिर्फ 4 केक ले लिए, क्योंकि केक यहाँ के केक बोलते हैं वो जो हवाई फायर होते हैं ना, 25 शूटर जिसको आप कह सकते हैं, शूटर हम लोगों ने ले लिए 4, क्योंकि यहाँ पर शूटर की क्वालिटी अच्छी थी। बाकी अनार वगैरह के रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हैं, मतलब रेट काफ़ी सारी चीज़ों के यहाँ पर बहुत सारे हाई हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंचोली, और फिर अंचोली वगैरह के जो है ना रेट वहाँ से हमें सस्ते मिले,
अनार के जो है ना, अनार के और दूसरी चीज़ों के। तो अब अंचोली जाते हैं और फिर वहाँ की आपको अपडेट देता हूँ। अंचोली के अंदर खड़े हैं अभी और रात का 1 बज रहा है और अभी डालडा के पास आए। डालडा की केबिन में माल तैयार है। ये हमारा माल जो है ना रेडी रखा हुआ है। दुकान तो बंदा नहीं है कोई। मिशन रस्ते आ जाओ चाचू। हेलो आओ मेरे चाचा के घर। दुकान अभी दुकान तो नहीं कुछ पड़ी हुई। कुत्ते मूत रहे हैं दुकान में। अच्छा दुकान खुली हुई है अबे। हम डालडा का वेट कर रहे हैं अभी। डालडा का 102 का हम वेट कर रहे हैं। और ये डालडा की शॉप है जिसका नाम है क्रिस्पो हब और ये मौजूद है अंचोली के अंदर, मेन अंचोली में आकर क्रिस्पो हब। पूछ लीजिए किसी से भी, हर बंदा बता देगा डालडा का पता। क्या सीन है यार, बस यही लेने के लिए आए तो पैसे। एक प्यारी सी लाइन भाई, लुंडे का शूज पहन के ब्रांड का बता रहे हो, पहले सलाम नहीं करते थे, मेरे उठा रहे हो। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। अस्सलाम वालेकुम हाजिरीन और नाज़रीन, डाडा भाई आ चुके हैं। डाडा भाई आपको शक्ल नहीं दिखा सकते लेकिन आपको डाडा भाई से मिलवा देंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? मिलवा नहीं सकते ना, शक्ल दिखाएंगे तो एक नंबर है हमसे। वापस हमारे दो नंबर डाडा भाई। डाडा भाई का जो है ना कमांडो जो है ना अनार बाहर आ रहा है। इनसे अच्छे भी आते हैं फौजी अनार। अरे जबान ऐसी बात करन बात कीजिए ना इनसे बस। मैं कहता रहा हूं लोगों ने फौजी अनार नहीं दिखाया है। डाडा भाई के पास जो है गोल्डन अनार भी मौजूद था जिसकी टाइमिंग थी 8 सेकंड, मगर हम लोगों ने फौजी अनार सेलेक्ट किया है क्योंकि उसकी टाइमिंग है 15 सेकंड। 10 सेकंड चलाने का तो हम लोगों ने फौजी अनार निकलवा लिए भाई। ये हमारे जो है ना डालडा भाई फुल टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, अनार चेक करवा रहे हैं। अनार रख दे भाई, अनार चेक करवा रहे हैं। अनार की क्या पोजीशन है? और देख रहे हैं और भाई माल लोड हो रहा है ना। इसके फोन आ रहे थे मेरे पास। चला जो नुमाइश के ऊपर 350 रुपए मौजूद था, यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं 200 रुपए में। इसमें 8 रॉकेट निकलेंगे एक में, ऊपर जाके फटता जो 7-8 रंग के रंग आते हैं वो इसमें भी हैं। और शहनाई कहते हैं, एक आता है इसमें गोला। यहाँ से पकड़ना है इसको, नीचे वाली जगह से जहाँ से लाल यहाँ पे मट्टी हिस्सा है और ये छोटा हिस्सा है प्लेन पन्नी। प्लेन पन्नी जब जहाँ से यहाँ से निकलेगा शूटर रूम तो ये धूप भाई। सामान वगैरह हमने ले लिया अंचोली से और अब लोग हम जा रहे हैं घर पर। कुत्ते भोंक रहे हैं, पो रहे हैं, चोर आया भैंस फलांगी दीवार उठा के ले गया। तो भाई यही सीन है। अभी रात के 3 बज रहे हैं और हम लोग जो है ना बस हमने बम वगैरह सब ले लिए क्योंकि सबमिशन हो जाती है आपको पता है, तो इसलिए हम जो है ना रात के टाइम हमने सेलेक्ट किया और अंडरग्राउंड के अंदर ही सारा काम हो गया और हमारा बिल भी बन गया। तो भाई इजाज़त दो, क्या कह रहे हैं डालडा भाई? डालडा भाई कह रहे हैं टोटल कर लो। ओके भाई, भाई टोटल करके हम लोग निकल रहे हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। ठीक है डालडा भाई, अल्लाह हाफिज़। हमने ले लिया नहीं नहीं चाय वाय नहीं भाई, बच्चे लोड हो गए। हाँ भाई ये भाई लोड हो गए ये फुल। बहुत शुक्रिया डाल भाई। ठीक है भाई, लोडेड हो गए हम लोग। असल में ना यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, हम लोड हो गए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि टॉप सीक्रेट है, दफ़ा पता है ना कौन सा नाफिज हुआ हुआ है सिंध के अंदर, तो 144 नाफिज हुआ हुआ है। कुछ चीज़ें टॉप सीक्रेट हैं और दिखाते हैं फिर सीन भाई। धुप धुप धुप, अल्लाह हाफिज़।